दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन के ऊपर। स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद भी कोई तेजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने आज फिर से एक जो है पीपीए साइन किया, यानी कि आज फिर कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर देखा जाए तो लगभग 620 MDAC और 917 MDDC का ऑर्डर रिसीव हुआ, यानी इसके लिए कंपनी ने MOU साइन किया है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर साले कंपनी के पास, उसके बावजूद भी ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। ऑल ओही रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है, प्रमोटर के पास 48% का स्टेक है, प्रॉफिट ग्रोथ 61%। अभी इस स्टॉक के लिए मुझे लगता है क्वार्टर टू के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वार्टर टू के नंबर आने के बाद ही मुझे लगता है कुछ हलचल देखने को मिले। शायद अगस्त का डाटा है जहाँ प्रमोटर ने माल बेचा है, FII ने स्टेक को डबल किया है, तो इस स्टॉक के अंदर इस लेवल पे बेचना तो मुझे कहीं से समझदारी नहीं दिख रही है। हालांकि क्वार्टर टू के आंकड़े, क्वार्टर टू के फाइनेंशियल नंबर, ये दोनों चीज़ें आनी है। अगले वीक तक हमें डेटेड आते हुए देखेगी नंबर्स को, जैसी नंबर आते हैं उसके बाद शायद स्टॉक में तेजी देखने को मिले अगर नंबर अच्छे होते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो काफ़ी मिल रहे हैं। साल भर में रिटर्न भी है, पर अभी कुछ टाइम से स्टॉक लुला रहा है, कंसॉलिडेट कर रहा है, तो ये हालांकि बाइंग जोन तो बन रहा है। अगर आपके पास स्टॉक को होल्ड करो, 1200 रुपये जाता हुआ दिखेगा, बाइंग करना है, एवरेज करना है, तो लेवल तो दिख रहा है, कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे कंपनी के पास। एक और आपका जेंसोल इंजीनियरिंग, सोलर और ईवी में दोनों में काम करती है कंपनी। अभी हाल ही में कंपनी को 186 करोड़ का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, जेंसोल को। इसको लगातार ऑर्डर आते रहते हैं, इसकी भी ऑर्डर बुक अच्छी है, बट फिर भी नहीं भाग रहा है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करो, बाइंग करने वाले फोकस कर सकते हैं, ठीक है भाई। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनानी तो पहले सीखो, ठीक है ना।